नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान सरकार राजविका के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। इससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि वे अपने परिवार को आर्थिक मजबूती भी प्रदान कर रही हैं। देखिए श्रीगंगानगर से हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका महिलाओं की जिंदगी में खुशियां लौटा रही है। राजीविका से जुड़ी महिलाओं को कई उपयोगी चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर पा रही हैं। राजीविका की मदद से श्रीगंगानगर जिले की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए गत्ता पैड, फाइल कवर, पेपर फोल्डर और बैग जैसी रोजाना काम आने वाली उपयोगी चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही वे अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से सक्षम बना रही हैं। इन उत्पादों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से राजीविका मार्ट की शुरुआत की गई, जहां महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों को बिक्री के लिए एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाया गया है। इन उत्पादों को काफी सराहना भी मिल रही है। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार सिहाग की पहल महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है। इन महिलाओं द्वारा दिवाली के लिए गिफ्ट हैम्पर भी तैयार किए गए हैं, जिनकी कलेक्ट्रेट परिसर में बकायदा स्टॉल लगाकर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है। दिवाली गिफ्ट हैम्पर में मठरी, काजू नमकीन, शक्कर पारा, गुड़ पारा, चने, तिल पारा जैसी खाने की चीजें उपलब्ध हैं। स्थानीय संस्थानों द्वारा स्वयं सहायता समूह को दिवाली हैम्पर के लिए ऑर्डर भी दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों से भी इन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में सहयोग मांगा। सॉफ्ट टॉयज, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, चूड़ियां, कुशन, होममेड अगरबत्ती, सुगंधित मोमबत्ती, हर्बल साबुन, सर्फ, लड्डू गोपाल पोशाक, दरी, टी कोस्टर, अचार और स्टेशनरी जैसे उत्पाद ये महिलाएं समूह में जुड़कर अपने अपने गांवों में ही बना रही हैं। राजीविका द्वारा इन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सामाजिक संस्थाओं और आमजन से भी जिला कलेक्टर ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदने की अपील की है। गौरतलब है कि जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के 1194 गांवों तक राजीविका की पहुंच है। इसमें 6630 समूह बनाते हुए 67287 महिलाओं को जोड़ा गया है। 6630 समूहों में से 4605 के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। गंगानगर में 60,000 महिलाएं अलग अलग गांव में काम कर रही हैं और हमारे पास यहां पे 7 समूह हैं जो गंगानगर में अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स को हम और आगे बढ़ाने के लिए, इनकी मार्केटिंग कराने के लिए इनको हम ट्रेन कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने गत्ता पैड बनाना शुरू किया, एनवेलप्स बनाने शुरू किए, स्टेशनरी बनानी शुरू की, जो हमने अपने ऑफिस में, अलग अलग बैंकों ने अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने शुरू किए और आज उनको 1,00,000 का ऑर्डर मिला है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही हमारे यहाँ पे SHG की महिलाएं जो है वो खिलौने बना रही हैं और उनको भी 2,00,000 का ऑर्डर मिला है और उनकी मेहनत जो है वो आज रंग लेके आई है, तो उनको भी बधाई। अब जो नया हम प्रयास कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीजें ये महिलाएं घरों में बनाती हैं, जैसे हो गया तेल, हो गया घी है, शक्कर पारे हैं, मठियां हैं, अचार हैं, पापड़ है, इन सब चीजों को हमने एक मार्ट की तरीके से नाबार्ड की हेल्प से एक शॉप खोल के दी है और वहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। राजीविका के प्रयासों से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की जिंदगी को एक नई दिशा मिली है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।